अगर आप विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। 5 मार्च 2019 को नागपुर में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मुकाबले में 8 रनों से हरा दिया। इस मैच के अंतिम ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत थी और भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी अंतिम ओवर में किससे गेंद फेंकवाई जाए। ना तो बुमराह के ओवर बचे थे, ना ही मोहम्मद शमी के, और दो अन्य गेंदबाज जडेजा और कुलदीप यादव के ओवर भी पूरे हो चुके थे। फिर आगे जो हुआ एक बहुत बड़ा कारनामा ही माना जाएगा। कप्तान विराट कोहली ने उस गेंदबाज को गेंद थमाई जो अपना दूसरा वनडे मैच ही खेल रहा था और जिसने इस मैच में एक ओवर फेंके थे जिसमें उसने 13 रन दिए थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विजय शंकर की। लेकिन विजय शंकर ने पहली गेंद पर 52 रन बनाकर खेल रहे स्टोनिस को आउट कर दिया और तीसरी गेंद पर जंपा को बोल्ड कर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को सिमटा दिया। ये तो रही भारत के शानदार जीत की बात, लेकिन मैन ऑफ द मैच लेते टाइम कप्तान कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को लेकर ऐसी बात कही जिससे आप खुश हो जाएंगे। दरअसल कोहली ने कहा कि मैं 46वें ओवर में ही विजय शंकर से गेंदबाजी कराने वाला था, लेकिन रोहित शर्मा और माही भाई ने कहा कि अभी तुम बुमराह और शमी से ही गेंदबाजी कराओ ताकि विकेट मिल सके, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। जब बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आए तो उसने उसी ओवर में 2 विकेट लेकर मैच ही पलटा दिया और फिर अंतिम ओवर के लिए विजय शंकर को गेंदबाजी दे दी। कोहली ने रोहित शर्मा के बारे में कहा कि रोहित शर्मा एक सीनियर खिलाड़ी हैं और वो टीम के उप कप्तान भी हैं और रोहित की राय हमेशा काम आती है। वहीं धोनी के बारे में कोहली ने कहा कि माही भाई का हर आइडिया हमेशा काम आता है और दूसरे वनडे मैच में मैंने उन दोनों की बात मान ली और परिणाम आपके सामने है, हम हारा हुआ मैच भी जीत चुके हैं। इन तीनों खिलाड़ियों में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है आप कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।